हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर। दिस इज मनीषा शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं जो 2021 का सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें क्या करेक्शंस हुई हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन सा चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और आप सिर्फ इस वीडियो को लाने का मतलब सिर्फ एक ही है, इसका मोटिव एक ही है कि आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ें, बिकॉज वही चीज़ें आने वाली हैं जो उन्होंने जो सिलेबस में गिवन है। ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमें ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं पता नहीं है आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर आप उतना ही पढ़ेंगे जितना गिवन है तो शायद आपको मार्क्स गेन करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जो चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर यूनिट वाइज सारे चैप्टर्स को देखेंगे कि इसमें कितना हमें डिलीट करना है, कितना हमें उसमें से पढ़ना है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो एक है, ये जितने भी चैप्टर्स अब बचे हैं आपको उन्हीं चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, मीन्स टू से कि आप, क्योंकि अब सिर्फ हमारे टॉपिक्स रिलेट हुए हैं लेकिन मैटर हमारे पास कम हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ है, मैटर कम हुआ है, जिस वजह से हम क्या हमें और ज़्यादा हमें उसे पढ़ना होगा। मतलब सिर्फ यही है कि जितना भी पढ़ें उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरे मीन्स टू से कि बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं में से ही अब ज्यादा डीप क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें से चैप्टर्स के नेम है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो कंप्लीट आएगा। ठीक है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट आएगा, उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, वो एज इट इज है, क्लियर है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सोल्स, वो भी कंप्लीट है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट वो चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट है, उसमें से भी एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। फिर हमारे पास चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से ये दो टॉपिक डिलीट हुए हैं जो कि एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। वो टॉपिक हैं बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इसमें जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस दिए हुए हैं एक्सटिंक्शन के, वो सब आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये भी डिलीट हो चुका है कम्प्लीटली, इससे भी रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से सबसे पहली बात, हमें नोमेनक्लेचर कम से कम 2 या 3 नंबर का तो आता ही था एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है इससे, तो वो भी हमारा कम्प्लीट डिलीट हो चुका है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे वो किटोन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, हमें इन किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हमें नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाएगा किसी भी कार्बन कंपाउंड की, क्लियर। सेकेंड थिंग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनसे भी इनका भी कोई डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, रिएक्शंस बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हमें नहीं पढ़नी है, कंबशन की होती है, ऑक्सीडेशन की होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ये सब जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड पढ़ते हैं, हैलोजन्स की, अल्कोहल की, सब की, वो कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वो सब डिलीट हो चुका है। आपको सिर्फ इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनसे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़नी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इनके प्रॉपर्टीज और यूजेस कट चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, बस आपको इनके बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज और यूजेस नहीं आएंगे, आइदर इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और इट इज केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है फॉर्मुलाज वगैरह वो सब आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता था, बट दिस टाइम ये भी कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स से रिलेटेड हर चीज़, मिसल फॉर्मेशन जो भी इसके अंदर आता है वो सब इसमें से कैंसिल हो चुका है, डिलीट हो चुका है, क्लियर। तो आपको यूनिट वन से जितना मैंने बता दिया है सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट कम्प्लीट, चैप्टर सेकेंड कम्प्लीट पढ़ना है, और थर्ड में से ये दो टॉपिक और कार्बन कंपाउंड्स में से सिर्फ मेन चीज़ें। आपको जितना भी पढ़ें आप प्लीज़ आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में से अब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्लियर। हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, वर्ल्ड ऑफ लिविंग मींस बायोलॉजी। ये अब देखते हैं कि बायो से क्या डिलीट हुआ है। बायो का जो हमारे पास 6 चैप्टर है
वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस उससे भी कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, वो भी कंप्लीट आएगा चैप्टर। उसके बाद हमारा सेवेंथ चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। होल चैप्टर रिमूव, कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है। इसमें से इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स और प्लांट्स की वो नहीं आएगी, पूरा चैप्टर रिमूव हो चुका है। तो बायो का अब एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये हमारा चैप्टर 8 है बायोलॉजी का, जो कि हमें ये कंप्लीट पढ़ना है। इससे भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये नेक्स्ट चैप्टर होता है। इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ ये डिलीट हुआ है, आपको ये भी कंप्लीट ही पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 की नेचुरल फिनोमिनन। नेचुरल फिनोमिनन में हमारा लाइट का चैप्टर आता है, लाइट, जुमेनाइन, कलरफुल वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर्स आते हैं। तो इनमें से जो हमारे पास इससे पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि उन लोगों ने डिलीट किया हो। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेटेज भी सबसे मैक्सिमम लेता है पूरी साइंस में। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की, अगर फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, वो तो लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। मीन्स 10-15 मार्क्स तो ऑलरेडी नेचुरल फिनोमिनन से आ ही जाता है। और अब तो वैसे भी जब इसमें से चैप्टर्स टॉपिक्स डिलीट हो रहे हैं और चैप्टर्स डिलीट हो रहे हैं, तो अब तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई किस तरीके से फंक्शन करता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कुछ नहीं आएगा। इस डिफेक्ट ऑफ विजन भी पूरा डिलीट हो चुका है, पूरा रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस जो भी हैं स्फेरिकल मिरर्स की और लेंसेज की, ये भी नहीं आएगा, ये भी डिलीट हो चुका है। तो अब आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो है डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब इसमें से आएगा। क्लियर? हम बात करते हैं यूनिट 4 की इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट इसमें है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर से क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस क्या होते हैं एसी के ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सब टॉपिक्स जो यहाँ पर गिवन है आपको, ये सब रिमूव हो चुके हैं। अब आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही उसमें से एडवांटेजेस। सिंपल इतनी है कि एसी से आपको सिर्फ एसी के बारे में पढ़ना है कि एसी एक्चुअल में है क्या, इससे एक्स्ट्रा आपको कोई भी उसके एडवांटेजेस वगैरह ये सब नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, इससे भी रिलेटेड कुछ नहीं है, डीसी भी नहीं है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी नहीं है। के बाद यूनिट नंबर 4 नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी चैप्टर जो है हमारे पास अवर एनवायरमेंट, ये कम्प्लीट आएगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर, ये होल चैप्टर डिलीट हो चुका है, इससे कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। इसमें कोई भी जो भी टॉपिक है सारा, मतलब कंप्लीट चैप्टर ये डिलीट हो चुका है। ये हमारा चैप्टर 14th है आई थिंक साइंस का। क्लियर? अब नेक्स्ट है एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर एक्चुअल में क्या है कि अगर आपके इनकेस 2-3 मंथ्स के बाद अगर इंटरनल असेसमेंट होते हैं या प्री बोर्ड्स होते हैं, ये चैप्टर सिर्फ उसी में आएगा। ठीक है, ये मेन एग्जाम में, मेन एनुअल बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। चैप्टर सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्री बोर्ड्स होते हैं, सिर्फ ये चैप्टर उसमें ही आएगा। क्लियर? तो उसके बाद एक चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया है, वो भी कंप्लीट आएगा। जो चैप्टर हमने इसमें डिस्कस नहीं किया या फिर जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसका मतलब है कि वो चैप्टर कंप्लीट आएगा। क्लियर? तो इसमें जो भी इसमें से डिलीटेड टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जो भी जितना गिवन है सिर्फ आप उसी को पढ़ें। क्लियर? जो डिलीट हो चुका है उसमें ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि ये टॉपिक शायद आ ना जाए, ऐसा नहीं है। जो भी इससे, जो भी CBSE ने लॉन्च किया है सिलेबस, एक्चुअल में उसी से ही आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर? तो थैंक यू, ये था आज का हमारा वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, जो भी CBSE ने लॉन्च किया है 2021 के लिए, जो भी CBSE का लेटेस्ट सिलेबस था। ये सिर्फ आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही बताया है। जो भी आगे आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।